नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और आज हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार सर्दी का मौसम अपने चरम पर है, लेकिन गरीबों के लिए ना तो सर पर छत है और ना ही इनके पास गर्म कपड़े। सहारा है तो बस एक जलती हुई आग का, जिसके सहारे लोग बैठ कर अपनी रात गुजार रहे हैं। अफसर इन गरीब लोगों के लिए लाख दावे तो करते हैं, लेकिन ये दावे धरातल पर कहीं महसूस नहीं किए जाते। बता दें कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का पहला जिला बिजनौर, जिसमें सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग ठंड से बेहाल है, कपकपा देने वाली ठंड में लोगों का बुरा हाल है। ये है जिला बिजनौर के रेलवे स्टेशन के करीब का वो नजारा, जहां पर कई परिवार खुले आसमान में अपने परिवार के मासूम बच्चों के साथ ठंड में खुले में सोने को मजबूर है। का कपकपाता बदन और लड़खड़ाती आवाज खुद ब खुद गरीबी, बेबसी और लाचारी बयां कर रही है। दिन भर भीख मांगकर अपना और बच्चों का पेट पालने के बाद इनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि ये अपने परिवार को महंगाई के इस दौर में गर्म कपड़े ही दिला दें। फुटपाथ पर डेरा डाले ये है वो गरीब घुमंतू परिवार, जो ठंड के मारे अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए सिकुड़े लेटे हैं। वहीं इन गरीबों की माने तो सरकार का एक भी नुमाइंदा अभी तक इनकी बदहाल हालत से रूबरू ही नहीं हुआ। वहीं जब उनसे इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, मेरा नाम बंजारा साहब और हम कई सालों से सड़कों पर रह रहे हैं। हमारी पीढ़ी भी गुजर गई यहाँ, मतलब सड़कों पर कोई हमें रहन बसेरा भी नहीं मिला। जैसे मुसाफिर है, जैसे भाई मुरादाबाद जाने वाला है और ठंडी में भाई आग तापने वाला भी है, थोड़ा बहुत उन्हें सहारा दो भाई, लकड़ी दो और वो हर चौराई पर लकड़ी जलाओ। और जैसे जो लंबे रूट का है, जैसे मुझे फननगर रहने वाला है और उसे रात में रैन बसेरा नहीं है, तो उसके लिए रैन बसेरा भी होना चाहिए। हमारी तो ये मतलब गुजारिश है उनसे, सरकार से भी और आप लोगों से भी। और जैसे हम यहाँ पढ़े हैं भाई, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे भाई, इन्हें भी थोड़ा बहुत सुविधा मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए। और भाई इन्हें कंबल फंबल की जो ज़रूरत है वो कंबल फंबल भी पहुँचाए सरकार। जैसे दिसंबर का माह चल रहा है, आप लोग सब यहाँ सड़क किनारे पर जी, अभी तक कोई सरकार का आदमी या कुछ इस तरह की आपको फैसिलिटी मिली नहीं? अभी तक नहीं मिली साहब, अभी तक नहीं मिली। लकड़ी वगैरह आपके लिए कुछ नहीं आया ना, लकड़ी का इंतजाम हुआ ना कोई भाई, हमारे कंबल का इंतजाम हुआ। हम वैसे गरीब आदमी हैं, हम हमारा जो काम कर लेते हैं तो खाना खा लेते हैं, ना काम करते हैं तो साहब हम भूखे सो जाते हैं। अच्छा, जैसे ये मेन रोड है यहाँ की जी, झालू नेटवर्क मार्ग है, यहाँ पे कोई रहन बसेरा का इंतजाम है जैसे कोई मुसाफिर हो या कुछ इस तरह? यहाँ कुछ नहीं है साहब, जैसे बाहर का जो मुसाफिर आके मतलब रहन बसेरा रात में कर ले और मुसाफिर खाना बन जाए किसी के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो सरकार से हाथ जोड़ के बात कर सकते हैं, जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हाथ जोड़ के बात करते हैं भाई, रहन बसेरा सबको कुछ नहीं मिली है। लकड़ी उकड़ी चुप कर लिया वहाँ, उसमें बच्चे भी तापते हैं, हम भी तापते हैं। हम मजदूर मेहनत करने जाते हैं, सामान बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, वो भी थोड़ा बहुत बेचते हैं, उसमें भी कुछ बच्चों का भी पेट पालन नहीं होता है। गरीब आदमी हैं, कुछ साधन नहीं है। अब सरकार ने तो कुछ हमारे लिए बचना वो करा ही ना कुछ हमारे लिए। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं सड़क के नाते? हम तो बहुत साल से रह रही, तकरीबन कितने साल से? अब होगी हमें 10-12 साल। 10-12 साल
रहने खाने और आपके क्या साधन रहता है? कुछ साधन नहीं, ऐसे आते हैं उसमें ही अपना पेट पूजा कर लेते हैं। अच्छा, जैसे दिसंबर का माह चल रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस तरह की सरकार ने जैसे अलाव की व्यवस्था रहती है, रहन बसेरे की व्यवस्था रहती है, कुछ आपको इस तरह का मुहैया हो पाया अभी तक? कुछ नहीं करा हमारे लिए। किस तरह से आप अपना लालन पालन करती हैं? जैसे करते हैं, बच्चे जाते हैं लकड़ी उकड़ी चुगना, और मशीन से ले आते हैं, कभी पैसे से ले आते हैं। जब ऐसा आपका ठंड में मरते हैं बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सरकार की तरफ से तो हमें कुछ नहीं मिला। वहीं जब एडीएम प्रशासन विनय कुमार से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक नगर निकाय में 2 से 3 रैन बसेरे नगर निकाय के साइज और वहां रहने वाली जनसंख्या और उसके आवागमन के मार्गों को देखते हुए बनाया गया है। अलाव की क्या स्थिति है? अलाव हर नगर निकाय के जो भी प्रमुख चौराहे हैं, अगर किसी नगर निकाय में रोडवेज बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, तो इस तरह के जो भी सार्वजनिक जगहें हैं सभी जगहों पर अलाव दिलाया जा रहा है। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर रखी गई है रहन बसेरों में? रहन बसेरों में एक तो रुकने और सोने की व्यवस्था सभी लोगों के लिए, पीने की पानी की व्यवस्था है, शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था है। इसके अलावा अगर उसे कोई तबीयत का कोई इशू आता है, कहीं उसकी कोई तबीयत ख़राब की स्थिति आती है, तो मेडिकल टीम से टाई अप रहता है नगर निकाय का जो केयर टेकर है, और उनको प्रिलिमिनरी जो दवाएं दी जा सकती है वो दे देता है। एडीएम साहब, रेलवे स्टेशन के पास खुले में इस समय रात्रि में लोग सो रहे हैं, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा, बड़ी ठंड से परेशान है। किस स्टेशन की बात कर रहे हैं? बिजनौर रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैं एसडीएम सदर को भी बोलता हूँ, वो इसे देखें और सुनिश्चित कराएं कि कोई व्यक्ति खुले में न सोए। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।